कारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्गानित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। अवतीर्णौ स्वकरुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ। श्रीमन महाप्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए हैं, करुणा के अवतार हैं, लेकिन परिच्छन रूप में अपने आप को ढके हुए रहते हैं। ये ईश्वर हैं लेकिन मानवीय लीला करते हुए अपने आप को इन्होंने इस अवतार में ढक लिया है कि ये भगवान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ द्वौ भ्रातरौ भजे। ऐसे दोनों भाइयों को श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद का हम भजन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि पहले निमाई पंडित गौर प्रभु थे, अब उनका वेश लेने के बाद नाम हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु। सन्यास लेने के बाद ये बन गए श्री चैतन्य महाप्रभु। और पिछली बार हम लोगों ने जैसे चर्चा करी थी कि श्रीमन महाप्रभु का जब उस समय सन्यास वेश दिया जा रहा था तो बड़े आनंद उल्लास के साथ उस समय कीर्तन प्रारंभ हुआ, जब उनका सब मुंडन इत्यादि सब शौर्य कार्य हो गए। और वहीं पे मुकुंद जो उनके साथ गए थे, मुकुंद क्योंकि बहुत अच्छा कीर्तन करते थे नवद्वीप में भी, तो वहाँ पे भी मुकुंद ने बड़े आनंद से उल्लास से कीर्तन किया। अब ये जब ये लिखा हुआ आता है, जब ये पढ़ते हैं, जब ये सुनते हैं कि आनंद के साथ संकीर्तन हुआ, और फिर हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि उस समय सबकी जो दशा थी वो रुदन की थी, सब बड़े हृदय से दुखी थे, पीड़ा में थे कि श्रीमन महाप्रभु को जिनको इतने सुंदर केशों के साथ और अलग अलग वस्त्रों के साथ देखने का आनंद होता था, जिनको हम फूल माला पहनाते थे, इत्र देते थे, वो कैसी वाचाल बातें किया करते थे, सब आनंद मंगल करते थे, अब वो अचानक से, क्योंकि सन्यासियों को हम इस प्रकार से नहीं देख पाते कि वो हंसी मजाक करके हमारे साथ खेले कूदें, एक गरिमा होती है सन्यासी की। तो यही बात सबको बड़ा दुखित करती थी कि भाई अब तो सन्यास ले लिया, जैसे हमारे साथ का कोई खेलने वाला, हमें आनंद देने वाला अचानक से ऐसा हो जाए तो थोड़ा मन को शोभ होता है कि अब तो बड़े सीरियस हो गए, अब हमारे साथ वैसे खेलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। और फिर ये भी पढ़ते हैं कि जब श्रीमन महाप्रभु का इस प्रकार से शौर कार्य और वेश जो उनको देना दिया जाना था, जो सन्यास लेना था, वो जब पूर्ण हुआ तो सब लोगों ने बड़े आनंद के साथ संकीर्तन किया वहाँ पे। और आनंद उल्लास इस सब के साथ मुकुंद ने कीर्तन किया, तो आनंद भी हो रहा है और शोभ भी हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, हम क्या माने कि उस समय सब दुखी हुए थे, सब फिर आनंदित अचानक से कैसे हो गए? तो यही पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यही एक गूढ़ रहस्य है भगवान की लीलाओं का, यही गूढ़ रहस्य है हमारे, जैसे मैंने बताया एक व्यवहार तत्व है और एक परमार्थ है। तो परमार्थ में कुछ भी दुखित होता ही नहीं, परमार्थ में दुख है ही नहीं। और यूं समझो, अगर ठीक रूप से हम समझे, अगर तत्वता समझे, तो व्यवहार में सुख है ही नहीं और परमार्थ में दुख है ही नहीं। मतलब व्यवहार में हमेशा दुखी बना रहेगा, हम जितना मर्जी उससे सुख लेने का प्रयास करें पर दुखी ही होंगे, हम कितना प्रयास करें कि हमारी सेहत ठीक रहे पर खराब होगी,
हम कितना प्रयास करें कि सब मुझे अच्छा समझे मगर गलत समझेंगे, हम कितना प्रयास करें मेरा कोई नुकसान ना हो मगर होगा ही, सब कुछ हम पूरा जीवन प्रयास करते रहते हैं सुखी होने के लिए, और सुखी होने का जो प्रोसेस है, अपने आप को सुखी रखने का जो प्रोसेस है, वो अपने आप में इतना महंगा है कि हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं सुखी होने में, मगर अंत तक कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। दूसरी तरफ परमार्थ है, परमार्थ में जीव देख भी रहा है, दुखी हो भी रहा है, कई कई प्रकार से, जैसे श्रीमन महाप्रभु ने पहले नवद्वीप छोड़ दिया, फिर श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो ये सब चीज़ें दुखी कर भी रही हैं, लेकिन वो दुख टिक नहीं पा रहा, एकदम चिकने घड़े की तरह, क्योंकि अब महाप्रभु सामने हैं, अब जब उनका वो वेश देखते हैं तो उसी से प्रीति हो रही है, क्योंकि ऐसा समझो कि जैसे चीनी का बर्तन है, तो चीनी का बर्तन कहीं से भी खाओ, कैसे भी देखो, वो मिठास ही देगा, किसी भी आकार में हो तो वो मिठास ही देगा। जैसे आपने हलवा के खोया का बनाया, वो अब स्क्वायर बना लो बर्फी को, राउंड बना लो, बिना शेप के बना लो, गोल बना लो, रसगुल्ला बना, वो मिठास ही देगा, स्वाद अलग नहीं हो सकता। तो श्रीमन महाप्रभु का, भगवान का जो स्वभाव है, जो चरित्र है आनंद देने का, वो आनंद देगा ही देगा, आप कुछ भी करो वो आनंद ही मिलेगा। अब हम लोग दुखी हो रहे हैं कि उनका संन्यास हो गया, उनका केश मुंडन हो गया, वो इस प्रकार से आएंगे, मगर अब वो आनंद देने लग गया, तो इसीलिए ऐसा आता है कि मन में दुख हुआ लेकिन फिर आनंद के साथ संकीर्तन हुआ। संकीर्तन का प्रभाव है वो आपको आनंद देगा, भगवान के दर्शन का प्रभाव है वो आपको आनंद देंगे, भगवान समक्ष है तो आपको आनंद हो गई हो। तो इसीलिए बोलते मंगल मूर्ति है, भगवान का एक नाम इसीलिए मंगल मूर्ति है कि अमंगल हो ही नहीं सकता, क्या करें, दुखी हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए कुंती महारानी ने बोला आप मेरे को विपदा दो, हम सुनते हैं ना कुंती महारानी का विपदा, क्यों बोला विपदा दो, क्योंकि हर विपदा में आप हमारे साथ थे, और जब आप साथ थे तो फिर विपदा कैसी, फिर वो क्या विपदा हुई, वो तो आनंद हुआ। जैसे कई बारी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि मान लो किसी को पैर में प्लास्टर लग गया, हाथ में लग गया, तो 15 दिन 20 दिन वो घर पे रहा, और जब हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था तो यहाँ पैर में लगा हुआ था, तो वो 15-20 दिन घर वालों ने बड़ी केयर करी, आपको वहीं खाना दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जब ठीक हो जाता है और आप बोलोगे पानी चाहिए, वो बोलते जाके ले ले किचन में, वहाँ जाके पानी पिया, इस प्रकार से हम बच्चे को बोलते हैं, तो वो बच्चे को लगता है कि वो समय बड़ा अच्छा था कि वो प्लास्टर लगा हुआ था तो मम्मी तो पूछती थी हर वक्त, हर कोई मेरे से पूछता था, बड़ा स्नेह भी देते थे, क्योंकि स्वाभाविकता जब बच्चे को ऐसे देखते हैं तो माँ बाप का स्नेह बढ़ जाता है, तो कई बार ऐसे देखते हैं तो वो बच्चा बोलते वो समय सही था, ये सब मुझे पूछते थे, सब करते थे। तो अब ये वही आप फीलिंग समझो अब कुंती माता की, तो लग रहा है कि विपदा है, अब वो है तो विपदा की उस समय प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन उस समय बड़ा आनंद हो रहा था क्योंकि सब पूछ रहे थे। तो ऐसे ही भक्तों के जीवन में विपदा आती है तो कृष्ण साथ आते हैं, कुंती महारानी के जीवन में जितनी विपदा आई कृष्ण, तो जब कृष्ण ही साथ आ गए तो फिर विपदा कहेंगी, फिर वो विपदा भी सुखमय हो जाती है, फिर व्यक्ति उसको भी याद करता है वो कितना अच्छा समय था, वो मेरे साथ थे। तो ऐसे ही भगवान के साथ रहते हुए कभी दुख नहीं हो सकता, ये परमार्थ की विशेषता है, और हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि हम अपने परमार्थ को भूले बैठे स्वभाव में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह से कहीं इससे मिल जाए, उससे मिल जाए, ये मेरे को अच्छा समझे, ये मेरी तारीफ करे, ये मुझे प्रणाम करे, ये मेरी बात माने, ये इसको मैं बोलूँगी ऐसे, ये सारे स्वभाव व्यवहार में हम जो लगे हुए हैं, ये व्यवहार में दुखी हुए जा रहे हैं, और परमार्थ में जिसमें भगवान हमारे समक्ष किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में हम चले जाएं, हम उसमें दुखी हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज होते हैं, जब श्रीमन महाप्रभु के साथ आते हैं तो लोग बोलते बड़े दुखी भी थे, वो बोलते गोपियाँ जब भगवान चले गए तो गोपियाँ बड़ी दुखित थी। अब कई लोग, कई तार्किक व्यक्ति ये प्रश्न भी करते हैं कि गौर लीला में ऐसा है क्या, भाई गौर लीला क्यों सुने, आप सब प्रेमियों की बात अलग है, आप तो बोलते गौर कथा ही करें, गौर कथा ही हो, लेकिन ऐसे भी तार्किक लोग हैं जो बोलते भाई गौर कथा में क्या है, रोना ही रोना, रोना ही रोना, रोना ही रोना लिखें। अभी हम लोगों ने थोड़ा एक नवद्वीप का ही पाठ सुना है तो उसमें आनंद उल्लास उत्सव था, पर बाकी के महाप्रभु का जो जीवन है तो महाप्रभु तो जैसे शुरू शुरू में जब गया से आए थे तो बात बात पे श्रीमन महाप्रभु के अश्रु पतन होते, अब नृत्य करेंगे आगे, कहीं पे भी गान होगा, कीर्तन होगा, महाप्रभु अश्रु बहाते,
तो बोलते गौर लीला में ऐसा क्या है, जब देखो रोते रहो, तो ये सब क्यों सुने, मतलब क्या प्रयोजन है गौर लीला का, क्या समझ में आता है गौर लीला से? भाई राम कथा सुनते हैं तो कैसा भाई होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, शिष्य का आचरण कैसा हो, भक्त का आचरण कैसा हो, गुरु का आचरण कैसा हो, माता का आचरण कैसा हो, पिता का आचरण कैसा हो, बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं राम कथा में, रामचरित्र में। लेकिन अब कृष्ण कथा में देखते हैं तो ऐसा क्या सीखने को मिल रहा है, जो कृष्ण कथा आती है उसमें क्या सीखने को मिल रहा है, और ऐसे ही गौर कथा में क्या सीखें। तो इस प्रकार का आज कोई लोग प्रश्न कर भी सकते हैं और करते भी हैं कि भाई ये क्यों करें। और इसी प्रकार का एक प्रश्न 10वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम के 33वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने में किया। जो हम लोगों की जिज्ञासा है वो जिज्ञासा उन्होंने पहले ही पूर्ण करने के लिए, उसका उत्तर जानने के लिए वो पहले ही जिज्ञासा कर दी लोगों की तरफ से। तो परीक्षित महाराज जी ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि भाई आपने अब 33 में सारा रास इत्यादि सब हो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि ये सब जो हो रहा है ये हैं तो भगवान, और कहाँ वो भगवान है, और कहाँ ये आप सारे रास का सब बता रहे हो कि ये रास कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और ना जाने किन किन की स्त्री वहाँ पे आई हुई हैं, वो सब भगवान की तो पत्नियाँ नहीं हैं, तो पर स्त्री के साथ इस तरीके से गमन कर रहे हैं, पर स्त्री के साथ नृत्य कर रहे हैं, और फिर ये हम इसको भगवान की लीला कह के सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या समझे, हम क्या सीखे इससे? तो उन्होंने, तो हम लोगों का भी प्रश्न ऐसा ही है कि भाई गौर कथा में क्या समझें, क्या मिले। हालांकि हम तो जो चर्चा कर रहे हैं गौर कथा में क्या क्या उससे मिल रहा है, क्या क्या भगवान सिखा रहे हैं, क्या क्या अपने आचरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं, अभी तक हम ये चर्चा करते आ रहे हैं, पर आगे देखेंगे तो वो लीलाओं में श्रीमन महाप्रभु रुदन ही रुदन कर रहे हैं। तो ये इतना रुदन जो है ये क्यों सुने? और कई लोग तो क्योंकि इस प्रकार का भी भाव रखते हैं ना, जैसे वो बोलते भगवद गीता घर के अंदर नहीं रखनी, महाभारत घर के अंदर नहीं रखनी, ऐसा पावन पवित्र शास्त्र भी लोग बोलते घर के अंदर नहीं रखना, क्यों, लड़ाई हो जाएगी। तो ये वो चित्र नहीं रखना युद्ध का जिसमें वो रथ है और वो है, क्योंकि घर में लड़ाई हो जाएगी। अरे लड़ाई इससे नहीं होती, इससे लड़ाई नहीं होती, ये हमारे सबके अंधविश्वास, हम ये इससे क्या होगा, ये रोते हुए सुनने से क्या होगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 36वें श्लोक में, अनुग्रहे भक्ता नाम मानुषाम देहाम अस्थितः। जीवों पे अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह भक्ता नाम मनुष्य नाम, सारे मनुष्यों पे, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान ये मनुष्य रूप लेते हैं, ये मनुष्य लीला करते हैं। अनुग्रह भक्ता नाम भगवान क्या करते हैं, मानुष की तरह लीला करते हैं। भजते तदाश्री क्रीड़ा या श्रोता तत्परो भवेत। और जीव क्या, जीव का इससे क्या कल्याण होगा? बोले कुछ समझे या नहीं समझे, अगर भगवान की लीला को श्रवण भी कर लिया या श्रुत्वा, आपने केवल सुन भी लिया, तत्परो भवेत, अगर आपने केवल सुन लिया तो सुनने मात्र से ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा, सुनने मात्र से ही हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि भगवान की लीलाएं ही इतनी मनोरम है कि जब हम उन्हें सुनेंगे। आपका सबसे सरलतम उपाय भगवत प्राप्ति का क्या है, भगवान की लीलाओं का गान सुनना, बस। इसमें तो कोई मेहनत नहीं लग रही, कोई मेहनत नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस एक जगह पे बैठे हो और आप श्रवण कर रहे हो। क्या श्रवण कर रहे हो, जैसे लोगों को कहानियां इधर उधर की सुनते हैं, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, निंदा करते हैं उसकी, वो ये कर रही है, वो कर रही है, ये भी तो सुनते हैं। तो ये ना सुन के ठाकुर जी ने क्या क्या किया, गोपियों ने क्या क्या किया, महाप्रभु कहाँ कहाँ गए, महाप्रभु के साथ कौन कौन था, जिस प्रकार से हम ये सुने, बस केवल ये लीला सुनने से ही, केवल श्रुत्वा, अभी चिंतन करने की बात ही नहीं करी सुखदेव गोस्वामी ने, केवल सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता। तो सबसे सरल उपाय ये है कि हम भगवान की लीलाओं का गान करें, हम भगवान की लीलाओं को सुने। अतः हम लोग ये गौर कथा कर रहे, और गौर कथा में फिर अब जब हम अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि श्रीमन महाप्रभु ने कलयुग में
जीवों को पग पग पे सिखाया है, पग पग पे शिक्षा दी है। अपने प्रत्येक लीला से, अपने प्रत्येक एक्शन से उन्होंने कुछ ना कुछ हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और अभी तो हम उनके एक्शन से समझ रहे हैं, उनकी लीलाओं से समझ रहे हैं। आगे जाके अंत लीला में जो हम पढ़ेंगे, उन्होंने सनातन गोस्वामी को जो उपदेश दिया, रूप गोस्वामी को जो उन्होंने उपदेश दिया, रामानंद राय के साथ उनका जो संवाद हुआ, इस पूरे संवादों में तो मानो पूरा सारा ब्रह्मांड समा गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ जो भी आपको भजन के लिए जानना है, कहाँ जीव की शुरुआत होती है भजन से और कहाँ उसका चरम सीमा है, वो सारा रामानंद राय संवाद में आ गया। और सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा में जो उन्होंने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी, उसमें एक एक पग की कि हमें किस प्रकार चलना चाहिए, आगे कौन सा पग कैसे रखना चाहिए, जीवन में कैसे चलना चाहिए, वो सारी शिक्षाएं सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु ने हमें दे दी। तो ये जो आगे आगे हम लोग चरित्र कथा पढ़ेंगे, तो केवल श्रवण मात्र से ही हम लोगों का इसी से कल्याण होता जाएगा, क्योंकि श्रवण में सब आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है जो अलग से कहीं बाहर से जानने की हमें ज़रूरत पड़े। कहीं शास्त्र, जैसे भगवत गीता का जो शास्त्र है, उसमें वो तत्व का शास्त्र है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो तत्व भी है और रस भी है। ऐसे ही जो चैतन्य भागवत है, जो गौर कथा है, वो गौर कथा में तत्व भी है, और गौर कथा में तत्व के साथ श्रीमद् महाप्रभु ने आगे जो आस्वादन किया और जो संकीर्तन का हमें नवद्वीप में आनंद दिया, वो रस भी है। तो तत्व और रस दोनों है, मतलब आपका पात्र भी बन जाएगा जिसमें आप ये रस ग्रहण कर सको, और फिर रस भी दे दिया जाएगा। जैसे किशोरी जी कहती है ना ब्रज में कि भाई आपका, कृष्ण को डांटती हैं वो, आपका देने का तरीका सही नहीं है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस तथा भजामे हम, भगवान ने भगवत गीता में कहा, किशोरी जी ने कहा ये ब्रज के बाहर की बात है, ये ब्रज के बाहर कानून दिखाना कि जो जो मेरा जैसे जैसे भजन करेगा मैं उसको वैसे वैसे, यहाँ ये बात नहीं है। ब्रज में हमारी परिचर्या अलग है, ब्रज में पात्र भी हम देंगे और रस भी हम देंगे। ये तो बात हुई देने की, ये क्या देने की बात हुई कि आप जितना पात्र लाओगे, जैसा पात्र लाओगे, उसमें वैसा रस और वैसी सामग्री दी जाएगी। अब कहीं हम देखें कि भैया ये तो लोहे का छोटी सी कटोरी लाया है, तो वो बोले भैया इसको सस्ती वाली बूंदी दे दो, ये लोहे का लाया। और कोई चांदी का पात्र लाया तो हम बोले भैया इसको खीर डाल के दो, ये चांदी का लाया। कोई सोने का लाया तो बोले भैया इसमें किशमिश विशमिश और डाल के, खीर डाल के इसको दो, ये सोने का लाया। तो बात जमी नहीं ना, बात अच्छी नहीं लगती। ऐसे थोड़ी कि जो जैसा पात्र लाया उसको वैसा दोगे। बात तो तब जमती है कि कोई कैसा भी आए, कोई बिना पात्र का भी आए, तो हम कहे कोई बात नहीं, हमारे पास पात्र भी है, आप ये पात्र लो और इसमें ये खीर लो, ये मेवे लो, जाओ जाके खाओ। ये बात हमारी किशोरी जी में है, और क्योंकि ये बात किशोरी जी में है, इसीलिए ये बात श्रीमन महाप्रभु में भी है। तो गौर जो है वो इस रूप में वो सारा धन लुटाने आए हैं कृष्ण का, जो कृष्ण कंजूसी से बांटते हैं, जो कृष्ण पात्रता देख के देते हैं, वो यहाँ अपात्र को भी दी जा रही है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान का जो संन्यास लीला है, वो संन्यास लीला का प्रारंभ ही इससे हुआ कि जितने निंदक हैं, जितनी जो भगवान की भी निंदा करने से बाज नहीं आते, जो इधर उधर ईर्ष्या करते हैं, भक्तों से द्वेष करते हैं, उन सब निंदकों को भी, उन सब द्वेषियों को भी भगवत कृपा प्राप्त हो, उन सब द्वेषियों के भीतर भी भगवान के प्रेम का उदय हो जाए, ये उनको प्रेम देने के लिए संन्यास लीला का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ अब महाप्रभु के समक्ष जो किशोरी जी बैठी हैं, अब वो पात्रता नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो भक्त हैं केवल उनके लिए संकीर्तन है, ना, संकीर्तन कलयुग में सर्वत्र सबके लिए है। जो संकीर्तन करे उसको प्रेम प्राप्त होगा, जो संकीर्तन ना करे, जिसके कान में धुनी चली गई कि यहाँ संकीर्तन हो रहा है, उसको भी प्रेम प्राप्त होगा। तो इधर श्रीमन महाप्रभु के यहाँ उत्साह के साथ नृत्य हुआ, श्रीमन महाप्रभु आगे को गए, हम सब ने पिछली बारी कथा सुनी, और वहाँ नवद्वीप में तो अब जो रस स्वरूप नदिया नागर श्रीमन महाप्रभु चले गए,
यहाँ पे तो हमने चर्चा करी कि यहाँ दुख में भी शोक में भी आनंद हो गया, क्योंकि समक्ष श्रीमन महाप्रभु बैठे हैं, समक्ष भगवान स्वयं मंगल मूर्ति बैठे हैं। पर नवद्वीप से तो मंगल मूर्ति चले गए, तो जब नवद्वीप से मंगल मूर्ति चले गए तो बोलते जिस दहलीज पे आई बैठी थी सच्ची माता बैठी थी वो वहीं बैठी है। अगला दिन हो गया, अगली दोपहर हो गई, सब लोग, क्योंकि एक अभ्यास था, कुछ कुछ लोग आके श्रीमन महाप्रभु से मिलने आते थे, जो जो सुबह भी देखा, जैसे श्रीवास पंडित जैसे सरीखे भक्त जो सुबह सुबह गंगा स्नान को गए, आते हुए 5 बजे ही देखा कि सच्ची माता बाहर दहलीज पे ऐसे बैठी है, ऐसे क्यों बैठी है। उनसे जाके पूछा ऐसे क्यों बैठे हो आप बाहर क्यों बैठे हो, सब मंगल तो है। बोलती मेरे घर तो अब कुछ रहा ही नहीं, मेरा तो घर लुट गया, सब चला गया, इस घर में अब कुछ बचा कहाँ। तब श्रीवास पंडित को पता लगा कि श्रीमन महाप्रभु तो निकल गए, उन्हें तो पता ही नहीं था, तब पता लगा, तब ज्ञात हुआ। धीरे 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 जो श्रीमन महाप्रभु को मिलते आते, सच्ची माता वहीं बैठी सबको बोलती वो तो मुझे सिखा गया कि वो विष्णु हैं, वो स्वयं विष्णु हैं, अगर वो विष्णु हैं तो उसकी जितनी तदीय वस्तु है सब भगवान की वस्तु आप ही की है, आप सब भक्त हो उसके, आप सब भक्तों की है, अंदर जाओ जितना सामान मिले सब ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर का सारा सामान ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि वो तो बस समझा गया, वो बोल गए ना कि आप यशोदा हो, आप ही कौशल्या हो, मैं हर जन्म में आप ही मेरी माता बनते हो। तो बोलते माँ के अंदर, सच्ची माँ के अंदर वही बात बार बार चले जा रही, वो तो विष्णु हैं, वो तो भगवान हैं, वो तो सब आप ही भक्तों के लिए छोड़ गया, जाओ जाओ भगवान की सब वस्तु पे भक्तों का ही अधिकार है, जाओ जाओ जाओ। और बोलते सारे लोग वहीं बैठ के, सारा नादिया वहीं बैठ के रुदन करने लगा कि ये क्या हो गया, कहाँ चले गए, अच्छा गए किधर को हैं, आई को कुछ नहीं पता किधर गए। उधर जो मालन चौपाड़ा में जहाँ उनका घर था विष्णु प्रिया का, वो वहाँ गई हुई थी, उन्हें सुबह से ही कुछ 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 ऐसा लगने लगा था, कुछ आज अपशगुन होने वाला है। कैसे लगने लगा? बोले जब गंगा नहाने को जा रही थी तो पाँव टकरा गया, उस पाँव से खून निकलने लगा। तो पहले ही उनके दिमाग में जैसे एक ऐसे आया कि आज ये कैसे अचानक से टकरा के इतना खून निकलने लगा। खैर वो ठीक किया, स्नान को गई, तो बोलते जब गंगा स्नान को गई तो वहीं उनका जो कान के कुंडल थे वो गंगा में बह गए। बड़ी हैरान हुई, ऐसे कैसे कुंडल बह गए, ये तो मेरे नाथ ने मुझे अपने हाथों से पहनाए थे, ये कैसे चले गए, कैसे उतर गए। उनको ढूंढने के लिए गए तो नाक की जो नथनी थी वो भी बह गई। अब जो नाक में पहनती हैं स्त्रियां वो सुहाग का चिन्ह होता है, वो भी बह गया, वो तो विवाह के उपलक्ष्य में उन्होंने मेरे नाक में पहनाया था, ये भी बह गया। विष्णुप्रिया का हृदय कांपने लगा, हौसला नहीं पड़ा, ऐसा लगा आज जरूर कुछ अपशगुन होने वाला है, आज ऐसा क्या होने वाला है, कहीं हमें कहीं छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे, ऐसे मन में आया। वहीं से विष्णुप्रिया उसी दिन बोलती वापस आई और आके घर में जो दृश्य देखा वो दृश्य देख के वहीं मूर्छित हो गए। क्या दृश्य देखा, आंगन में सब बैठे रुदन कर रहे हैं और आई जो है बिल्कुल मलिन अवस्था में वहीं उसी दहलीज पे बैठी, रोए रही है, अश्रु बहे जा रहे हैं, आँख खुली की खुली पुतली की तरह और अश्रु बहते जा रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं। विष्णुप्रिया समझ गई कि ये चले गए मुझे छोड़ के, अब पता नहीं कब देखना होगा, नहीं होगा। वो तो कहते थे कभी स्त्री मुख नहीं देखूंगा, क्या एक बार भी नहीं मिलेंगे, अब कुछ पता नहीं है कि संन्यास लिया है नहीं लिया है, क्या एक बार मुझसे मिलने आएंगे। अरे मुझे तो ये कह के भेजा था कि तू अभी चली जा, फिर बाद में नहीं जा पाएगी, मेरे आने की तो प्रतीक्षा की होती, मैं गई और पीछे से ही चले गए, अब कभी देखूंगी नहीं देखूंगी, इस प्रकार से रुदन कर रही हैं। और उधर हम लोगों ने देखा कि वहाँ केशव भारती जी जब उन्हें वेश दिया, उसके बाद जब महाप्रभु भागते भागते गए तो केशव भारती भी पीछे 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 भाग रहे। क्यों भाग रहे? बोलते श्रीमन महाप्रभु ने उनको एक आलिंगन किया और आलिंगन करते ही वो केशव भारती जो अब अद्वैत सन्यासी थे वो उन सन्यासी के भीतर भी अब कृष्ण प्रेम की बाढ़ लग गई केशव भारती के भीतर, और वो भी हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करते श्रीमन महाप्रभु के पीछे 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 वो भी नृत्य करते हुए केशव भारती भाग रहे। और वहीं उसी भीड़ में जहाँ कटोया ग्राम में हमने चर्चा करी थी
सब लोग नृत्य कर रहे थे और श्रीमन महाप्रभु जब भाग के गए तो बोलते पीछे 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 एक जगह जहाँ वो ठहरे थे वहाँ तक भी वो पहुँच गए गदाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य। और वो गंगाधर भट्टाचार्य बोलते हा कृष्ण हाय चैतन्य हाय चैतन्य, ऐसे करके जोर जोर से रोने लगे। और सब लोगों ने जब देखा कि विलक्षण रूप से ये अलग से ही शायद इनकी कोई प्रीति है, इस प्रकार से ये चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु के समक्ष उन्हें लेके गए और सब लोगों ने बोला कि प्रभु ये है चैतन्य दास। अब उस समय लोगों को नाम नहीं पता था ये कौन है, बोले ये कोई चैतन्य दास हैं, बहुत 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 रुदन कर रहे हैं, आप इन पे कृपा कीजिए। श्रीमन महाप्रभु ने बोलते अपना आलिंगन करके समझो अपना कुछ अंश प्रेम का उनके भीतर डाल दिया। वो गंगाधर भट्टाचार्य और उनकी पत्नी का नाम भी लक्ष्मी प्रिया देवी था, बोलते फिर आगे जाके उन्हीं के घर श्रीनिवास आचार्य जी का जन्म हुआ, जिन्हें श्री महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु का प्रेम स्वरूप ही बोला जाता है। तो यहाँ श्रीमन महाप्रभु ने अपना प्रेम का एक अंश उनके भीतर डाला और वही अंश फिर श्रीनिवास आचार्य के रूप में उन्हीं के घर में उनका जन्म हुआ श्रीनिवास आचार्य का। अब वहाँ अद्वैत आचार्य के यहाँ श्रीमन महाप्रभु पहुँच चुके हैं, पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा करी थी। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के जैसे ही गृह में गए तो बोलते उनके गृह में जाते ही जो सब सीता माता भी उनको पुत्रवत स्नेह करती थी श्रीमन महाप्रभु को, वो बोलते उन्हें देख के अचंभा हो गया, ये क्या क्या रूप देख रही हूँ मैं, क्या रूप गौर क्या रूप ले लिया ये तुमने, ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा देख के बोलते खूब अश्रु बहाने लगी माता सीता। और वहीं उनके छोटे पुत्र अच्युतानंद उस समय बोलते वहीं माटी में खेल रहे थे, खेलते खेलते वो आए, श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम किया, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें गोद में उठा लिया अच्युतानंद को, और उन्हें बोला कि भाई आप मेरे चरण क्यों पकड़ते हो, आपके पिता जो हैं वो मेरे भी पिता समान हैं, तो इस नाते से आप और मैं तो भाई भाई हुए, हमें तो आलिंगन करना चाहिए। बोलते अच्युतानंद ने उस समय बोला कि प्रभु आप सखा रूप में अवतरित होते हो, आप सब मनुष्यों के बंधुओं के सखा बन जाते हो, बंधु बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, पर आपका भी कोई पिता हो सकता है ऐसा कोई शास्त्र में उल्लेख दास ने पढ़ा नहीं। अब सब लोग बड़े अचंभित हुए कि ये छोटा सा अच्युतानंद और इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो वो बोलते पता नहीं किस महापुरुष ने अवतार लिया है भाई, ये कोई साधारण सा बच्चा नहीं है। और श्रीमन महाप्रभु भी चकित हो गए कि इतना छोटा सा ऐसी बात बोल रहा है, बोले आपका कोई पिता हो ऐसा किसी शास्त्र में अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं। तो उसके बाद वहीं श्रीमन महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर ही बैठे और वहाँ पे नवद्वीप में अद्वैत आचार्य ने नित्यानंद प्रभु को भेजा और बोला जाओ जाके नवद्वीप वासियों को भी बता दो कि श्रीमन महाप्रभु यहाँ आए हैं, ये पता नहीं अब फिर आए ना आए, बड़ी मुश्किल से तो अभी लेके आए हैं यहाँ शांतिपुर में, अब शांतिपुर में कितना समय रहे यहाँ नहीं रहे, यहाँ से कब निकल जाएं, वृंदावन चले जाएं, पता नहीं हमें, आप जल्दी से जाके माता सची को सबसे पहले लेके आओ और उन्हें दर्शन कराओ। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप मुकुंद को भेजो, ये जल्दी से जाएगा, मैं श्रीमन महाप्रभु इनके साथ में बैठूंगा, मैं इनका ध्यान रखूंगा। मुकुंद ने बोला ना 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 नित्यानंद, आपने आज तक जो बोला आपकी आज्ञा शिरोधारे, आप जो बोलोगे दास करेगा, पर ये कार्य मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर सकता ही नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बोलते क्योंकि यहाँ आते ही ये चैतन्य महाप्रभु ने मुझे, जब हमने बोला कि ये बुलाओ अद्वैत आचार्य ने बोला, तो अद्वैत आचार्य को चैतन्य प्रभु ने उस समय बोला एक को छोड़ के सबको बुलाना, एक को छोड़ के, नाम नहीं लिया, बस बोला एक को छोड़ के। अद्वैत आचार्य ने बोला प्रभु इतने निष्ठुर ना बोले, बोले नहीं आप जानते हो सन्यास के नियम, इसलिए एक को छोड़ गए। वो एक कौन थी? वो एक विष्णु प्रिया थी, वो जानते थे। तो अद्वैत आचार्य ने ये बात कुछ खुद ना बोल के नित्यानंद प्रभु को बोला आप जाके सबको ले आओ। नित्यानंद प्रभु भी ये बात जानते थे, उन्होंने बोला आप मुकुंद को भेज दो। मुकुंद ने बोला प्रभु ये मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं किस मुख से वहां जाके उनको मना करूंगा विष्णु प्रिया को, आप जाओ। तो फिर नित्यानंद प्रभु को ही अंत में वहाँ से जाना पड़ा।
वो आए यहाँ पे नवद्वीप में। जब नवद्वीप में आए तो श्रीवास पंडित ने उनको देखा, उनको देख के थोड़ी एक आस हुई कि कोई तो आया ये चले, क्योंकि अब ये जो सारा एपिसोड हुआ कि श्रीमन महाप्रभु पहले ही निकल गए, फिर वहाँ संन्यास वेश हुआ, फिर वहाँ से शांतिपुर आए, बताने में तो जल्दी जल्दी से बता दी गई, पर 12 दिन लग गए इन सब में। और 12 दिन से माता वहीं दहलीज पर बैठी, उठती थोड़े समय के लिए तो जो आसपास जा रहे होते बोलते, सची माता उन्हें बोलती, भाई मथुरा से हो क्या तुम? मथुरावासी हो, तुमने देखा है कृष्ण बलराम को? वो मेरा पुत्र कृष्ण है, वो कृष्ण बलराम, वो कृष्ण बलराम कहीं दिखे क्या? क्या अभी अभी तुम मथुरा से होके आए हो क्या? मथुरा में इस प्रकार से उनके भीतर वो जो बोल गए कि आप ही यशोदा हो, आप ही हमेशा रही हो, उनके भीतर वो ही चलता जा रहा कि मैं यशोदा हूँ। फिर आते जाते कुछ लोगों को पूछती, क्या अक्रूर ले गया क्या? क्या अक्रूर कृष्ण को ले गया? अब नहीं आएगा, कितने समय बाद आएगा? इसी प्रकार से बोलती, और बोलते 12 दिन से ना अन्न ना जल कुछ नहीं दिया। उसी प्रकार से वो वहीं सची माता बावली की तरह इस तरीके से सबसे पूछती। नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँचे तो श्रीवास पंडित ने बताया, निताई कहाँ गए थे, क्या हुआ मुझे बताओ। नित्यानंद प्रभु ने उनको बताया, ऐसे ऐसे संन्यास ले लिया। श्रीवास पंडित की बोलते छाती फट गई सुन के कि क्यों लिया, क्यों लिया, क्या प्रयोजन था? तुमने क्यों नहीं बोला, तुमने क्यों नहीं बोला, क्यों आग्रह नहीं किया? उन्हें क्या आवश्यकता थी संन्यास लेने की? अरे एक बात बताओ, संन्यास तो तब लिया जाता है जब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हो, जब हमारे भीतर बहुत सारी माया का जाल में हम फंसे हों, जब कई सारी चीज़ें हमें मोहित करते हों, तब त्याग किया जाता है। उन्होंने किस रूप से, किस आवश्यकता से, किस प्रयोजन से ये वेश लिया, क्या त्यागने की आवश्यकता थी? तो श्रीवास पंडित ने बोला, देखो हर चीज का निमाई नित्यानंद जी ने, उन्होंने बोला देखो हर चीज का नाप तोल होता है, और भजन का, भक्ति का जो नाप तोल है वो जीव के त्याग से पता लगता है। जैसे हम दूध को अगर नापे तो किस में नापोगे? लीटर में नापेंगे। अगर कपड़ा नापेंगे तो मीटर में नापेंगे। तो ऐसे ही बोलते भक्ति कैसे नापोगे? भक्ति त्याग से नापी जाती है। श्रीवास पंडित ने बोला, अरे निताई तू ये कैसी बातें करता है? उसके भीतर क्या कम त्याग था? क्या उसके त्याग को तू और मैं नहीं जानते क्या? क्या वेश लेने से त्याग? अरे ये तो भारी त्याग है, ये त्याग थोड़े ना त्याग है। त्याग तो भीतर से होता है, और वो त्याग तो उसके भीतर कहीं कोटि सन्यासियों जैसा त्याग पहले ही था। वो कब रमण करता था? वो तो स्त्री की ओर आंख उठा के नहीं देखता था, वो तो हर समय हर एक को सबके भीतर, चांद काजी जैसों के भीतर, सबके भीतर परमात्मा को उन्होंने उजागर कर दिया, सबके भीतर संकीर्तन के प्रति प्रेम दे दिया, पैदा कर दिया। अभी भी तू कहता है कि त्याग, क्या त्याग करना था? अब सब लोग इसी प्रकार से हृदय फटता तो प्रश्न पूछते, भाई क्या त्याग करना था, अब क्या त्याग था? और हम लोग ये देखते ही हैं कि गौर श्रीमन महाप्रभु के जो परिकर हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि 95% जो परिकर हैं वो सब गृहस्थ हैं, और भक्तमाल के 99% भक्त जो हैं वो सब गृहस्थ हैं। तो आज अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित भी यही पूछ रहे हैं कि भाई गृहस्थी में क्या त्याग नहीं होता? गृहस्थी का त्याग तो सबसे असल त्याग है, क्योंकि त्याग भीतर से होता है। जो गृहस्थ में रह के त्याग हो गया वो भजन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए ये आवश्यकता क्यों है? तो उन्हें नित्यानंद प्रभु ने समझाया, देखो ये भगवान की लीला है, वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, आप मुझसे अभी ना पूछो, अभी आप चलो, बस चलो। किसी तरीके से हम लोग लेके आए हैं, और उनका अनुग्रह है कि वो वृंदावन को जा रहे हैं, अभी आप चलो वहीं जाके उनके समक्ष उनसे पूछना। अब देखो प्रयोजन तो है, हम जानते हैं प्रयोजन, तो श्रीवास पंडित भी जानते हैं कि क्या प्रयोजन है, वो तो हम सब समझ रहे हैं, उन्हें भी पता है। प्रयोजन यही है, सबसे पहला जो व्यावहारिक प्रयोजन है वो तो यही है कि वो अपात्र को भी प्रेम देना चाहते हैं, निंदक को भी, द्वेषी को भी, सबको प्रेम देना चाहते हैं, और उसका यही एक माध्यम था। और परमार्थिक उसका प्रयोजन यही है कि राधा भाव में वो आस्वादन करना चाहते हैं। तो प्रयोजन तो पता है सबको, मगर
ये बात हजम नहीं हो रही कि क्यों संन्यास ले लिया। उन्होंने बोला आप जल्दी जल्दी से अब सची माता को भी लेके चलो, फटाफट सब वहाँ शांतिपुर चलेंगे। बोले बाद में चलना, बाद में चलना निताई, क्योंकि निताई तो उनके पुत्र की तरह है ना, श्रीवास पंडित के घर ही तो रहते हैं निताई, तो बाद में करना निमाई निताई, पहले जाके उन्हें कुछ खवाओ। आज 12 दिन हो गए, द्वादश दिन से माता जो है वो उपवास में है, आप उनको जाके पहले कुछ खिलाओ फिर चलेंगे। तो नित्यानंद वहाँ गए, बोलते नित्यानंद प्रभु को देख के माता के भी जैसे प्राण आए शरीर में। उन्होंने बोला निमाई कहाँ है, निमाई कहाँ चला गया, कब मिल सकते हैं माता? वो जाके शांतिपुर में बैठा है। शांतिपुर क्यों चला गया, किससे नाराज हो गया, क्यों ऐसे करा? बोले ये सब आप शांतिपुर में देखना, अब आप जल्दी से चलो, पहले आप तो सबसे पहले आप भीतर जाके कृष्ण के समक्ष भोग लगाओ, उनको भोग लगाओ अपने घर और वो पाओ। बोलती क्यों? बोलते 12 दिन हो गए आपके ठाकुर ने खाना नहीं खाया, आके मुझे बोलते हैं वो कि मैं भूखा बैठा हूँ 12 दिन से, आप जाओ पहले जल्दी से प्रसाद बनाओ। तब बोलते 12 दिन बाद सची माता ने उनको देख के थोड़े हर्ष के साथ कि ये आ गया है और निमाई जो है वो शांतिपुर में ही बैठा है। तो बोलते फिर बनाती खाना, फिर खाना बनाते बनाते सची माता आई, वो शांतिपुर जाके क्यों बैठा है और अपनी बूढ़ी माँ को वहाँ बुला रहा है? ऐसा तो कभी नहीं था निमाई, निमाई संदेशा भेज रहा है कि आई उधर आ जाओ, निमाई क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? अब संन्यास के बाद वर्जित है, वहाँ आ नहीं सकते, क्या बोले? उन्होंने बोला अब पता नहीं आई, वहाँ जाके आप पूछना। बोले ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि वो मुझे बोल रहा है, अब बूढ़ी माँ जाएगी शांतिपुर और वो नहीं आ सकता क्या शांतिपुर से यहाँ पे? बोले आई, वो मैं उनको लेके आया शांतिपुर, उनको बताया नहीं, आप चलो आप वहीं चल के सब देखना, वहीं पे देखना सब, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। और अब उन्होंने प्रसाद बनाया, सब करा। बोलते उस समय माता सची ने प्रसाद बनाया, भोग लगाया और फिर सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को खिलाया। उसके बाद और सब लोग जो बाहर बैठे थे सची माता के प्रांगण में ही, जो बैठे रो रहे थे, उन सबको भी सची माता ने प्रसाद खिलाया और अंत में फिर सची माता ने प्रसाद पवाया। और फिर नित्यानंद प्रभु ने बोलते सबके समक्ष ये बोला, शुभ वाणी नित्यानंद कहें सभारे, सत्वरे चले सबे प्रभु देखी वारे। प्रभु को देखने के लिए सबको बोला, सब नवद्वीपाचों के चलो चलो चलो, सारे लोग चलो, महाप्रभु जो है अभी अद्वैत आचार्य के घर पे बैठे हैं, अद्वैत निवास में बैठे हैं शांतिपुर में, सब चलो। और बोलते उनका ये ऐलान करने की देर थी कि सब चलो सब चलो, वहाँ पे बोलते पूरे नवद्वीप के समक्ष लोग सब चलने को तैयार हो गए। और कौन तैयार हो गए? बोलते जो लोग निंदा करते थे, जो द्वेष करते थे श्रीमान महाप्रभु से, वो द्वेषी और निंदन भी निंदक भी तैयार हो गए कि चलो हम भी चलेंगे। और वो सब लोग बोलते माथे पे हाथ रख रख के रोते कि हमने क्यों नहीं पहचाना, अब क्योंकि अब संन्यास ले लिया ना, अब देखो अभी तो संन्यास लिया है, अभी दर्शन भी नहीं कर। अब उनको लगा कि हम लोग इसका मतलब गलत ही सोचते थे, संन्यास ले लिया, इस आयु में 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया तो इसका मतलब कि उसका भजन सत्य था, उसका भजन सच्चा था, हम पहचान नहीं पाए। अब जितने निंदक थे वो सारे माथा पीट के रोने लगे, अरे हमारे समक्ष था इतने समय हमारे, हम पहचान नहीं पाए। अब जाके उसने जब संन्यास ले लिया तो पता लगा कि इसका मतलब सत्य थी उनकी भक्ति, वो नाटक नहीं करता था, सच में कृष्ण के पीछे पागल था। अब ये सब करके बोलते जितने निंदक थे, पूर्वे जे पाषंडी सब करिल निंदक, ताराओ सपरी करे करिल गमन। अब सारे अपने सब निंदक पाषंडी भी सब जो हैं सब चलने लगे कि चलो 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 चलो, जाके वहीं उनसे माफ़ी मांगेंगे, जाके वहीं उनके चरण पकड़ेंगे, नहीं तो ये अपराध क्षम्य नहीं है कि हमने उनके प्रति जो इतना अपराध किया। आज बोलते निमाई पंडित का संन्यास लेने का व्यावहारिक पक्ष तो यहीं सफल हो गया कि जितने निंदक जो निंदा करने वाले थे वो सब अब उनसे माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पे चलने को तैयार हो गए। और उस समय का दृश्य तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा, अगर मैं उन्हीं के शब्दों में बताऊँ तो उन्होंने बोला कि देखो एक पक्षी जो होता है वो जितना उसके पक्षी जैन
आकाशेर अंत नाही पाए, जत शक्ति थाके तत दूर उड़ी जाए। आकाश का तो कोई अंत नहीं पा सकता, पर पक्षी की जितनी शक्ति है वो उतना ही तक उड़ान कर सकता है। ये वृंदावन दास ठाकुर जी बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे में जितनी क्षमता है मैं उतना ही बखान कर पाऊंगा बस, वरना कोई बखान तो आकाश के समान है। उस समय का जो सीन है, वो जो दृश्य है, उसकी गणना ही नहीं की जा सकती कि कितने लोग उस समय जाने के लिए तैयार हो गए। कैसे बताएं कि उस समय कैसे कितने, पूरा नवद्वीप कैसे एकत्रित हो गया चलने के लिए, मानो सैलाब आ गया लोगों का। अब सैलाब आ गया तो अब नाव जो है वो तो सीमित है ना, कितनी नाव होती है, नाव तो 8-10-12, अब इतने सब लोग कैसे जाएंगे। तो बोलते नाव जो है वो नाविक तो जितने लोगों को गया सो गया, लेके बाकी सब लोग कोई केले का वृक्ष लेके उसकी डंडी पकड़ के तैरता हुआ जा रहा है, कोई अपनी छाती में मटके को लगा के वो मटके के सहारे से जिसको तैरना नहीं आता वो जा रहा है। और बोलते इतना सैलाब आ गया नदी पार करने के लिए गंगा में कि जिनको तैरना नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे तो पैदल चल के जा रहे हैं क्योंकि इतने लोग हैं नीचे, इतने लोग हैं, इतने लोग नदी में आ गए कि पैदल चल के निकल रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं क्योंकि नीचे लोग हैं उन पे चलते जा रहे हैं। बोलते केवल वो ही नहीं, जितने नवद्वीप के पशु पक्षी थे वो भी चले गए, जिन जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु के मुख से संकीर्तन सुना था, श्रवण किया था, उन सबके भीतर भी प्रेम का उदय हो गया था, कोई रुक नहीं पाया। सब बोलते पूरा नवद्वीप खाली हो गया, एकदम खाली हो गया नवद्वीप। कौन बचा? बोलते केवल एक विष्णु प्रिया बची, बस और कोई नहीं बचा। विष्णु प्रिया जी की दो प्राण सखियां थी, कंचन माला और अमिता। उस समय कंचन माला का साथ में विवरण है कि कंचन माला उनके साथ वहां रुकी, बाकी पूरा नवद्वीप। जब माता को लेने के लिए नित्यानंद प्रभु ने बोला, अब देखो कितना कितना है, मैं आगे निकल जाता हूं और फिर पीछे आना पड़ता है बताने के लिए, नित्यानंद प्रभु ने बोला आई चलो 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 अब जल्दी से आई। बोलती चलो प्रसाद हो गया, सब हो गया, चलो फटाफट फटाफट। जितो लक्ष्मी विष्णु प्रिया को बोला चलो चलो विष्णु प्रिया जल्दी चलो, उनको लेके चलेंगे। ओ नित्यानंद प्रभु बोलते अब क्या? बोलते आई खाली आप ही चलो। बोलते मैं क्यों चलूं, वो छोड़ के गया तो मुझे छोड़ के गया विष्णु प्रिया ने तो जाते हुए भी दर्शन नहीं करे, विष्णु प्रिया यहाँ थी नहीं, विष्णु प्रिया को तो लेके जाऊंगी और इसी के कहने से वो वापस आएगा। बोलते आई आप ही चलो, आप ही चलो, अभी आई तो रहे हैं, विष्णु प्रिया यहाँ पे दर्शन कर लेगी। अब विष्णु प्रिया जो हैं वो तो जानती हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, उन्होंने भी आई को बोला आई जाओ, इस अभागिन के भाग्य में नहीं है दर्शन करना, आप जाओ आप जाओ। और बोलते उस समय विष्णु प्रिया जी का जो हृदय है वो केवल विष्णु प्रिया ही जान सकती थी और संभाल सकती थी, क्योंकि उनके ही प्राणनाथ को मिलने के लिए पूरा नवद्वीप पशु पक्षियों समेत खाली हो गया, मगर अकेली वो वहाँ पे रह गई, वो नहीं जा सकती, उनको वर देता है। जो उनकी सखी थी कंचन माला, वो कंचन माला बोली सखी कितने निष्ठुर हो गए, गौर 2-4 दिन में ही इतना इतना उनका हृदय पाषाण हो गया, ऐसे निष्ठुर हो गए कि सबको बुला लिया और एक तुम्हें बस उनके दर्शन के लिए, अरे वो ना करते, तुम्हें तो बुला लेते, तुम तो दर्शन कर लेती। बोलते ये सुनते ही उन्होंने कंचन माला के मुंह पे हाथ रख दिया विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया बोली नहीं कंचन माला, तू जानती नहीं है, वो तो महावदन्याय हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, और क्योंकि मैं तो उनके सबसे समीप की हूँ ना, तो इसीलिए वो जानते हैं। तू क्या सोच रही है, ये सब जो जा रहे हैं ये सब क्या दर्शन करेंगे, वो निमाई नहीं है, अब वो निमाई नहीं है, वो नादिया नागर नहीं है, वो उन्होंने सन्यास ले लिया है और उस सन्यासी का दर्शन वो मुझे देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर वो उसी रूप में रहना चाहते हैं, वो उसी रूप में जो उनकी छवि में जानती हूँ ना, मैं उसी छवि को अपने हृदय में रखना चाहती हूँ और वो छवि इस पूरे नवद्वीप में बस मेरे ही हृदय में रह जाएगी, क्योंकि सब तो देख लेंगे अब उनका क्या है, पर वो सन्यासी वाला विष मैं नहीं देख पाऊंगी और वो जानते हैं मैं नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे वर्जित कर दिया, मेरी भलाई के लिए किया है। मैं वही इसीलिए आज भी बोलते जहाँ मालन चौपाड़ा में जो उनका जन्म स्थान है विष्णु प्रिया जी का, वहाँ पे
मंदिर है, उस मंदिर में दुल्हन रूप में विष्णु प्रिया जी के विग्रह हैं और उनके साथ श्रीमन महाप्रभु के भी नादिया नागर रूप में उन दोनों के ही विग्रह हैं, विष्णु प्रिया और श्रीमन महाप्रभु के। और वहाँ बोलते, वहाँ वो लोग ये मानते हैं कि महाप्रभु का कभी संन्यास नहीं होता, गौर का कभी संन्यास नहीं होता। और जैसे हम गौर कथा कर रहे हैं ना, वहाँ भी गौर कथा चलती है, और आप आगे सुनने के लिए बोल रहे हो ना, वहाँ नहीं सुन सकते हैं, वहाँ गौर कथा संन्यास से पहले ख़त्म कर दी जाती है। वो मानते ही नहीं है कि उनका कोई संन्यास हुआ था, क्योंकि विष्णु प्रिया जी के हृदय में वही नागर है, वही नादिया नागर है। तो वहाँ वो बोलते कभी संन्यास होता नहीं, और हम लोग भी एक रूप से तो ये मानते हैं कि संन्यास लीला तो केवल यहाँ हुई है, जो नित्य नवद्वीप धाम है वहाँ संन्यास नहीं होता, वहाँ नागर रूप में ही रहते हैं श्रीमन महाप्रभु। इसलिए हमारा जो मंत्र भी है वो श्री गौरंगा नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, तो इसलिए ये गौर गौरंगा के बोलते कि हम वही गौर रूप का भजन करते हैं। महाप्रभु ने यहाँ पे मनुष्यवत लीला के लिए, कुछ प्रयोजन के लिए, कुछ आस्वादन के लिए यहाँ पे संन्यास लिया, पर नित्य लीला में संन्यास नहीं होता। तो इसीलिए वो मादन चौपाड़ा में जो कथा होती है वहाँ गौर कथा संन्यास वाली ली ही नहीं जाती, बस उससे पहले तक की ही कथा ली जाती है। ऐसे ही ये बात तार्किक रूप से नहीं सोचनी चाहिए कि हुआ था कि नहीं हुआ था, ऊपर होता है कि नहीं होता, यहाँ हुआ था, जो लोग यहाँ नहीं बोलते वो गलत हैं, या जो मानते हैं हुआ था वो कोई गलत नहीं है, सब सही है। जैसे एक भक्त थे वृंदावन में, तो अभी भी उनके नाम से आश्रम इत्यादि है बिहारी जी के मंदिर के साथ में, तो कोकिल साईं जी उनका नाम था। वो कोकिल साईं जी राम जी के भक्त थे, सीता राम जी मतलब उनके इष्ट थे, और वो अपने आप को सीता जी की सखी रूप में मानते थे भजन करते, और राधा रानी को अपनी माता बोलते थे, क्योंकि वृंदावन में ही रहते बिहारी जी के साथ में, तो बोलते थे राधा रानी को तो मेरी माता स्वरूप हैं, और राम सीता जी जो हैं उनको प्रियतमा, और मतलब प्रियतमा के प्रियतम, जैसे हम लोग मंजरी स्वरूप में किशोरी जी को सखी मानते हैं, तो ऐसे ही वो सीता जी को अपनी सखी मानते थे और उसी अनुरूप भजन करते थे। तो वो लोग वहाँ, वो कोकिल साई जी वहाँ किसी का संग नहीं करते थे वृंदावन में भी, तो क्योंकि कैसे, वृंदावन में तो ज़्यादा लोग राधा कृष्ण के ही इष्ट मानते हैं और उन्हीं की कथा करते हैं, अब वो राम कथा सुनने की इच्छुक होते थे, तो इसीलिए वो ज़्यादा संग कर नहीं पाते थे, वो अपना ही भजन समक्ष रह के करते थे। और यही गुरु गुरुओं से सब संतों से आदेश भी है, गलत नहीं है कि सजातीय भक्तों का ही संग करना चाहिए, सजातीय लोगों से ही कथा भी सुननी चाहिए जो हमारे साथ, सब सही हैं, गलत कोई नहीं है, सब ठीक है, पर जो अपने सजातीय हो उनसे ही कथा श्रवण करनी चाहिए, तो वही भाव में फिर कथा चलती है। तो वो कोकिल साई जी को एक दिन पता लगा कि वृंदावन में राम कथा हो रही है, तो बड़ा आनंदित हुए कि राम कथा हो रही है, राम कथा सुनने के लिए गए, तो बोलते वहाँ पे भगवान राम की जो चरित्र चल रहा था उसमें सीता जी का अपहरण का उस समय कथा चल रही थी। अब वो जाके बीच में बैठ गए, और जब उन्होंने सुना, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो भी ये मानते थे कि हमारी सीता जी जो हैं वो कभी राम जी से अलग नहीं हुई, वो कभी अलग नहीं हुई, जैसे वहाँ वो मादन चौपाड़ा में मानते हैं कि महाप्रभु और वो कभी अलग नहीं हुए। तो अब उन्होंने सुना कि अपहरण करके रावण ऐसे ऐसे ले गया, और थोड़े नाटकीय तरीके से, और बताया दर्शाया गया कि ऐसे रावण उठा के ले गया। अब कहते उनके भीतर इतनी घबराहट होने लगी, ऐसे कैसे सीता जी को ले गए, ऐसे कैसे मेरी सखी को ले गए, उनके प्रियतम कैसे रहेंगे, मेरी सखी कैसे रहेगी, मेरी सखी प्राण छोड़ देगी, वो रह ही नहीं सकती राम के बिना, सीता तो राम के बिना एक क्षण नहीं रह सकती, ऐसे कैसे वो ले गए। सोचते सोचते घबराहट में उन्हें बोलते वहीं खून की उल्टी होने लगी कोकिल साई जी को, और अवस्था बहुत खराब हुई शवा राधे। तो सब लोग उनको पकड़ के बाहर लेके गए, भाई हालत, अब उन्हें तो नहीं पता कि इस वजह से खराब हो रही है,
घर पे आए बिल्कुल वैसे ही, खून की उल्टी हो रही है, घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और बार बार यही ऐसे कैसे हाथ उठा हाथ लगा के ले गया रावण, कैसे ऐसे हाथ पकड़ के ले गया, ऐसे कैसे ले गया मेरी सखी को, मेरी सखी कैसे रहेगी कैसे रहेगी, उस आवेश में चले गए। और करते 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 एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन हो गए। पाँच दिन से ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, ना प्राण छूट रहे हैं, ना प्राण रह पा रहे हैं। पाँचवें दिन बोलते साक्षात सीताराम जी का दर्शन हो गया। सीताराम जी वहाँ पे आ गए और उन्होंने बोला, कोकिल जी क्यों इतना परेशान होते हो, वो जो वो लेके गए थे सीता को, वो तो छाया सीता थी, हमारी सीता तो सदा हमारे पास ही रहती है, वो कभी अलग थोड़ी होती है। और उसमें दिखाया ना कि वो तो अग्नि को उन्होंने दे दी थी और अग्नि से वो छाया सीता, बोलते वो तो छाया सीता को ले गया था, हमारी सीता को ले। सच राम? हाँ सच, सच सखी। सीता जी को बोला, आप तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, आप आनंद, हम कभी अलग होते ही नहीं। सीता जी ने बोला, मैं तो कभी इनसे अलग हुई ही नहीं, तुम्हें तो पता है सखी, मैं रह सकती ही नहीं इनके बिना। बोले, यही बात मैं भी जानता था, उन्होंने क्यों बोला वो आपको ले गए, रावण ले गए, ऐसे ले गए, ऐसी कथा क्यों करते हैं ये सब लोग। बोले, अब आप कहीं मत जाना, अब आप किसी कथा में नहीं जाना, आप यहीं रह के, घर में रह के अपना भजन करो। तो मैं क्या लेके भजन करूं? उन्होंने फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ एक वृक्ष है, आप वहाँ जाना, वहाँ पे नीचे मेरा स्वरूप मिलेगा आपको उस वृक्ष के नीचे, आप वो ले आना, उनकी पूजा करना। और फिर बोलते वो अगले दिन गए थे और एक सीता जी का विग्रह उन्हें वहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो आज भी वहाँ पे वो सीता जी की सेवा होती है जो वो सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से भक्तों का ये मानना कि भाई वो हमेशा साथ ही रहते हैं, राधा रानी और कृष्ण कभी अलग नहीं हुए, विष्णु प्रिया और श्रीमन महाप्रभु कभी अलग नहीं हुए, राम और सीता कभी अलग नहीं होते, ये बात भी ठीक है, ये बात भी अपनी जगह ठीक है अगर ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे ही समझ से विष्णु प्रिया ने अपनी सखी कंचन माला को बोला कि सखी, हम कभी वो मेरे अंदर वो रूप देना नहीं चाहते हैं, मैं कभी उनका वो रूप देखना नहीं चाहती, ये वो जानते हैं मैं देख पाऊंगी नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे उस रूप के दर्शन नहीं कराए। मेरे हृदय में सदा वो नदियां नागर जो मैंने देखे वही मेरे हृदय में बसे रहेंगे, इसीलिए मेरे पे उन्होंने कृपा करी है। तुम ऐसा ना बोलो कि वो निष्ठुर हैं, वो तो सब पे बहुत कृपा करने वाले हैं, आप ऐसा ना समझो। और सब लोग, बाकी पूरा नवद्वीपवासी जो हैं, सब के सब श्रीवास आंगन में वहाँ पहुँच गए। और फिर वहाँ पे कई कई प्रकार से संकीर्तन हुआ, फिर से जैसे यहाँ नवद्वीप में होता था वहाँ वो अद्वैत आचार्य के घर आज संकीर्तन हुआ। तो उसकी चर्चा और आगे और चर्चा फिर हम लोग कल करेंगे। जय राधे।